हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। और आप में से काफ़ी लोग ये जानते होंगे कि मैंने एयरपोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उन वीडियोस के नीचे बहुत से लोग मुझसे कमेंट करके ये पूछते हैं कि क्या फ़र्क होता है एक टिकट के अंदर और एक बोर्डिंग पास के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या डिफरेंस है बोर्डिंग पास के अंदर और टिकट के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जैसे बिना पैसों के टिकट नहीं आती, उसी तरीके से बिना टिकट के बोर्डिंग पास नहीं आता। तो टिकट होता है कि आपने कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी को ट्रैवल करना है, आपने डेट डिसाइड कर ली, आपने एयरलाइन डिसाइड कर ली कि आप किस एयरलाइन से जाने वाले हैं, जो कि विस्तारा, इंडिगो, एयर इंडिया, कुछ भी हो सकती है, और आपने उस चीज़ के पैसे दे दिए, मतलब कि आपकी टिकट जो है वो बुक हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आता है बोर्डिंग पास। बोर्डिंग पास का मतलब होता है कि जब आप एरोप्लेन के अंदर एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं एरोप्लेन के अंदर बोर्ड करना, तो उसके अंदर एंटर करने के लिए आपके पास होना चाहिए बोर्डिंग पास। वैसे तो टिकट के ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी फ़्लाइट है, कितने बजे कहाँ जाएगी, आपकी कौन से टर्मिनल से चलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी टिकट में रहती है। ये हम डिटेल में अभी और भी जान लेते हैं। पर ये हो सकता है कि जैसे आज आपने टिकट बुक करा ली, पर आप ट्रैवल करने वाले हैं 3 महीने के बाद, तो टिकट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो ये नहीं होती कि कौन से गेट नंबर से आप जो है आपकी फ़्लाइट में बोर्ड करेंगे, मतलब कौन से गेट से आपको एंटर करना है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी बोर्डिंग पास के ऊपर ही होती है। और क्योंकि बोर्डिंग पास ज़्यादातर 48 आवर्स पहले मिलता है, तो अगर हो सकता है कि आपने 3 महीने पहले टिकट बुक करा ली, टिकट जो फ़्लाइट है उसकी टाइमिंग्स में कुछ चेंजेस आ गई, या फिर फ़्लाइट कैंसिल ही हो गई, या फिर कुछ और टाइम में ऊपर नीचे हो गया, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके बोर्डिंग पास पे ही होगी कि नया टाइम क्या है और अब फ़्लाइट कहाँ से उड़ने वाली है और जो है आपके कौन से गेट नंबर पे जाने वाली है। तो बोर्डिंग पास ज़रूरी होता है आपको फ़्लाइट के अंदर एंटर करने के लिए, और टिकट तो आप पैसे देंगे तभी आपको टिकट मिलेगी। और आजकल क्योंकि कोविड की वजह से बोर्डिंग पास मोबाइल पे भी आने लग गए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रिंट आउट ना भी निकालें तो आप मोबाइल पे भी अपना बोर्डिंग पास शो कर सकते हैं, और उसके थ्रू ही आप सिक्योरिटी भी क्लियर कर सकते हैं, तो फिज़िकल प्रिंट आउट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अब डिटेल में जान लेते हैं कि टिकट में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है और बोर्डिंग पास में कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है स्क्रीनशॉट एक टिकट का, जहाँ पे लिखा है ये टिकट कंफर्म्ड है, ये बुकिंग आईडी नंबर है, और ये कौन सी डेट की फ़्लाइट है, दिल्ली से अमृतसर की टिकट है ये, जिसे 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे पहुँचने के लिए। विस्तारा एयरलाइंस है, DEL शॉर्ट फॉर्म है दिल्ली की, हर एक जो भी सिटी होती है उसकी शॉर्ट फॉर्म 3 लेटर्स में यूज़ की जाती है किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर। तो DEL का मतलब है दिल्ली, इसको 1 घंटा 10 मिनट लगेंगे ATQ मतलब कि अमृतसर पहुंचने के लिए। तो इस फ्लाइट की जो उड़ने का टाइम है वो है 8:20 30 दिसंबर को, और उसी दिन ये 9:30 पे अमृतसर को पहुंच जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो भी फ़्लाइट्स होती हैं उसमें हमेशा टाइम 24 आवर्स में होता है, तो 8:20 मतलब सुबह, अगर ये रात के 8 बजे होता तो यहाँ पे 20 आवर्स जो है लिखा होता। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलेगी और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करेगी, और यहाँ से अगर हम क्लिक करेंगे तो मैप भी खुल जाएगा, जहाँ पे भी हम रहते हैं वहाँ से हम यहाँ का मैप देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और यहाँ पे अलग अलग टर्मिनल्स हैं, तो यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये फ़्लाइट टर्मिनल 3 से जो है स्टार्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है पैसेंजर नेम, यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, ये है PNR नंबर। ये PNR नंबर जब हम बोर्डिंग पास निकालते हैं तो ये PNR नंबर है जो हमें एंटर करना होता है, ये टिकट नंबर है। और जब मैंने अपनी सीट बुक करी थी, मतलब टिकट खरीदी थी सॉरी, तभी मैंने अपनी सीट जो है ले ली थी। ये कंपलसरी नहीं होता है, हम वेब चेक इन के टाइम भी सीट बुक करा सकते हैं, पर अगर हम टिकट बुकिंग के टाइम ही सीट सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी मनपसंद की सीट मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चेक इन टाइम,
पैसेंजर टू रिपोर्ट 2 आवर्स बिफोर डिपार्चर, मतलब जैसे मेरी 8:20 की फ़्लाइट है तो मुझे एयरपोर्ट 6:20 पे पहुंच जाना है। जो चेक इन प्रोसीजर है, मतलब जहां पे आपको बैगेज ड्रॉप कराना है, वो आपकी फ़्लाइट उड़ने से 1 घंटे पहले तक ही खुला होगा। तो जैसे कि ये 8:20 की फ़्लाइट है तो 7:20 तक ही हम वहाँ पर बैगेज ड्रॉप करा सकते हैं, उसके बाद वो काउंटर जो है बंद हो जाएगा। और जब भी हमें एयरपोर्ट जाना है, हमारे पास एक वैलिड आईडी प्रूफ का होना ज़रूरी है, जो हो सकता है एक ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट रिकग्नाइज फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है, ये ज़्यादा रिलेशन नहीं है इसमें हमारा, और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि मैंने ये टिकट 4,151 रुपीज़ की ख़रीदी है। अब ये बैगेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे एडल्ट, एनीवन हु इज़ अबव 18 इयर्स इज कंसिडर टू बी एडल्ट, सेक्टर दिल्ली टू अमृतसर, कैबिन में मुझको 7 kg का कैबिन बैग अलाउड है और चेकिंग बैग जो है 15 kg का अलाउड है। इतना सामान ले जाने के लिए मुझे बिल्कुल भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कैंसिलेशन एंड डेट चेंज, अब क्योंकि कोविड के बाद रूल्स काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा अगर मैं ये टिकट को चेंज कराती हूँ कोई, और जो है मैं डेट भी नहीं चेंज करा सकती हूँ। अगर मैं चेंज कराना चाहती हूँ तो समझ लीजिए कि पूरे के पूरे पैसे जो हैं मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाले हैं। और अगर मुझे मेक माई ट्रिप से हेल्प चाहिए तो ये उसकी डिटेल्स हैं, और अगर मुझे विस्तारा से हेल्प चाहिए तो ये विस्तारा का उन्होंने फ़ोन नंबर यहाँ पर दे रखा है। अब हमारे को देखना है बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास में आपकी ये सब इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी कि कितना कैबिन बैग रहेगा, कितना चेक इन बैग रहेगा, और आपका ये प्राइस कितना है, ये कैंसिलेशन चार्जेस क्या है। तो अब हम स्क्रीन पे बोर्डिंग पास देख लेते हैं। अब जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये बोर्डिंग पास है। अब ये जो आपको दिख रहा है बार कोड, अब ये हो गया है कि आप अगर वहाँ पे जाके जो उनके स्कैन एंड फ्लाई मशीन होती है वहाँ पे बार कोड पे ही अगर इसको दिखा देंगे तो आपका प्रिंट आउट बाहर आ जाएगा बोर्डिंग पास का। पर इनफैक्ट आजकल प्रिंट आउट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके मोबाइल में ये बोर्डिंग पास दिख रहा है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप अपने मोबाइल के थ्रू ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर सकते हैं और सिक्योरिटी चेक इन को भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्डिंग पास में हमेशा आपका सरनेम पहले रहता है, उसके बाद आपका नाम आता है, तो जोसन उसके बाद मोनिका लिखा है, और इसके बाद डिपार्चर टाइम और ये इंफॉर्मेशन कि कहाँ से कहाँ जा रही है फ़्लाइट, और उसके बाद कौन से एयरपोर्ट पे जाएगी, कहाँ से जाएगी, ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें जैसे कि टिकट में थी वो भी है। अब यहाँ पे फ़्लाइट नंबर दे रखा है, सीट नंबर दे रखा है और बोर्डिंग टाइम, मतलब हम 7:20 को एरोप्लेन के अंदर बैठने के लिए तैयार हैं। अब क्योंकि आजकल बोर्डिंग पास जब हम ऑनलाइन से ले लेते हैं तो चेक मॉनिटर्स लिखा है, पर अगर आप प्रिंट आउट लेते हैं वहाँ पे जाके केओस मशीन से या फिर किसी स्टाफ मेंबर से, तो यहाँ पे गेट नंबर भी आ जाएगा कि आपकी फ़्लाइट कौन से गेट नंबर पे होगी जहाँ से आपको फ़्लाइट के अंदर जाना है। तो जब पहले आ जाता है तो उस समय जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं आती, वो कह रहे हैं कि मॉनिटर्स में ये इंफॉर्मेशन होगी तो आप देख सकते हैं, पर जब आप बैग जमा कराएंगे तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये ट्रैवलर इंफॉर्मेशन वो सारी सब कुछ ही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टिकट और बोर्डिंग पास में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं लाती रहूँगी ऐसे ही ट्रैवलिंग के और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका, विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।